आज हमारे यहां बड़ा मसला है। अकीदे को तो हमने अपनी जिंदगियों में सानवी हैसियत दे रखी है। मसलन हमारी नजर में एक आदमी का नमाज पढ़ना ऊला है, घोड़े के आगे झुकना सानवी है। नहीं समझे? हमारे यहां एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, देखो नमाज तो पढ़ता है ना, नमाज पढ़ना उसका ऊला हो गया, घोड़े के आगे झुकना सानवी हो गया। और ये बात याद रखें, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी इसलिए जाती है कि नमाज पढ़ने वाला इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। गो अगर फिर वो उसके बाद किसी और के आगे भी झुक जाए तो क्या फायदा उसकी नमाज का, क्योंकि नमाज पढ़ के तो सबूत ही उसने इस बात का देना था ना कि अल्लाह के सिवा वो किसी के आगे न कयाम करेगा, न रुकू करेगा, न सजदा करेगा, न जलसा करेगा। अब समझे कि भाई कोई कहने वाला कहता है कि भाई मतलब आप ये देखें, उन्होंने नमाजें पढ़ी, उन्होंने ज़कातें दी, उन्होंने कुर्बानियां की, उन्होंने हज किए, हाजी अबू जहल। अब नहीं समझे? अबे अबू जहल ने हज नहीं किया था क्या? अगर एक आदमी के अकीदे में शिर्क हो और हज करने से उसका वो शिर्क माफ हो सकता होता और ये हज कबूल होना होता तो फिर तो अबू जहल को भी हाजी बोलो ना, हाजी अबू जहल, हाजी अबू लहाब। नहीं समझे कुछ बात? और अगर सारे अमलों पर उसके यक कलम फेर के अल्लाह ने सब खत्म कर दिया, बातिल मा कानु यअमल, उनके अमाल सारे बातिल हो गए, तो सोचें इस बात को कि अगर आज कोई आदमी शिर्क करता हो, आज जबकि शायद अबू जहल की बचत इस बात पर हो सकती थी कि वो ये कह के मतलब वो ये कह देता कि भाई पूरा दीन तो मेरे सामने उतरा, पूरा का पूरा कीदा तो मेरे सामने उतरा नहीं है ना अभी। नहीं समझे भाई? देखो ये भी एक अकीदा है, याद रखना ये भी एक अकीदा है। अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन, ये भी एक अकीदा है। आज के दिन हमने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया, मोमिनों पर अपनी इस नेमत को पूरा कर दिया और मोमिनों से हम राजी हुए इस्लाम के दीन होने पर। यह भी एक अकीदा है कि हमारा दीन मुकम्मल हो गया है। तहकी कर लो, उससे पहले तक यह भी क्या है, ये भी एक अकीदा है। अब मिसाल है, आखिरी आयत तो यही है ना। अब अबू जहल अगर फर्ज करें ये कह देता उस वक्त में, भाई वो सारे अकायद तो भी आए, माफ कर दो मुझे, मैं इतना बड़ा मेरा मसला नहीं है। लेकिन नहीं, बदर में मारा गया, आधा दीन उतरा होगा अभी वो मुश्किल, थोड़ा सा भाई आ गया, बदर में मारा गया आधा दीन अभी उतरा होगा, इससे पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सारे अमल बर्बाद कर दिया, उसे मुर्दार बना दिया। अब हम सोचें इस बात, हमारी तो पकड़ डबल है, पूरा दीन उतर गया, एक एक चीज ना। हाँ ये और हम अपने आप को मुतमईन करने के लिए कह सकते हैं कि नहीं जी वो उतर तो गया लेकिन वो हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं जानते, हम तो मतलब फंसे हुए लोग हैं, सीखा नहीं। तब मुनकर नकीर को हम ये बात बता नहीं सकते, ये अपने आप को मुतमईन कर लेंगे, मिलने जुलने वालों को बताकर मुतमईन कर लेंगे। जब कबर में मुनकर नकीर आएंगे ना, वो सवाल करेंगे, वो कहें अरे भाई हमसे क्या सवाल करा, मौलवी साहब से जाकर पूछो हमारे, हमें क्या पता, हमारे मौलवी साहब उनसे आके पूछो। मुनकर नकीर कहेंगे उसकी कब्र में भी जाऊंगा, ठहर जा तेरे से तो पूछ लूं पहले, और उससे पहले अली की तो कब्र से होकर भी आ गया। नहीं समझ में आई कुछ बात? तू बता, क्योंकि इन सवालात में एक सवाल भी ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक मौलवी साहब से हो, सबका ताल्लुक तेरे दीन के साथ। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए अगर आज हम अपने अकीदे की दुरुस्तगी की कोशिश नहीं करते हैं और यह समझ रहे हों कि चूंकि हम नेक अमाल कर रहे हैं ये नेक अमाल हमें जन्नत में ले जाएंगे, तो यह बात याद रखिएगा मुसलमानों का यहूदियों ईसाइयों दुनिया के तमाम मजाहिब से बिल्कुल अलहदा खास यह अकीदा है, इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल्अन्हारु खालिदीन फिया अबदा, बेशक जो ईमान लेकर आएगा और नेक अमाल करेगा हमने उसके लिए जन्नत तैयार की है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। पता ये लगा कि ईमान लाना और नेक अमाल करना दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। सिर्फ नेक अमाल करते रहना और ईमान सही तरीके से ना लाना ये भी आदमी को नहीं बचा पाएगा, सिर्फ ईमान ले आना और फिर नेक अमाल ना करना ये भी बंदे को बचा नहीं सकेगा, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम।